दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों आप में से कई लोग मेरे से पूछते हैं कमेंट के जरिए या फिर कई जगह क्वेश्चन से पूछा गया है कि अगर आपके किचन में चिमनी का प्लेसमेंट ऐसी जगह आ रहा है कि ये डक्ट पाइप लगाना पॉसिबल नहीं है, मतलब कहीं पर भी आपके यहाँ आउटलेट देने की गुंजाइश नहीं है किचन के अंदर, ऐसी जगह पर आपको किचन बनाना हुआ है, तो वहाँ पर किचन चिमनी कैसे लगाएं, तो उसके लिए डक्टलेस चिमनी आती है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे डक्टलेस चिमनियाँ कौन कौन से टाइप की आती है, उनकी क्या प्राइस रेंज होती है, उनका फंक्शनिंग कैसे होता है, क्या उनके बेनिफिट हैं, कहाँ पे आप उनको लगा सकते हैं, ऐसी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए GM फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टैक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों डक्टलेस चिमनी का जो फंक्शनिंग है वो इस तरह से होता है कि उसके जो बैफल फिल्टर रहते हैं किचन चिमनी में, फेबर कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बैफल फिल्टर अपन खोलते हैं और अंदर एक फिटिंग की जगह होती है जहाँ पे अपन ये चारकोल फिल्टर लगा देते हैं। ये चारकोल फिल्टर बेसिकली कार्बन एक्टिवेटेड पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जो कि ओडोर, जो कि बदबू रहती है किचन चिमनी किचन में, ग्रीस के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनकी जो बदबू रहती है या फिर जो स्मेल रहती है उसको क्लीन करके दोबारा से जो क्लीन एयर है उसको रीसर्कुलेट करके किचन में ही छोड़ देता है। तो ये बेसिकली इस तरह से फंक्शन करता है। विदाउट पाइप वाली जो चिमनी रहती है इसको अपन डक्टलेस चिमनी बोलते हैं। अब अपन चल के देखते हैं कि इसको किस तरह से आप फिट कर सकते हैं चिमनी के अंदर और कौन कौन से चिमनी के मॉडल्स में ये चीज़ पॉसिबल है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आइए दोस्तों जैसा कि ये वाला जो है स्टाइलो मॉडल है फेबर कंपनी का, यहाँ पे ये तीन बैफल फिल्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपने को चारकोल फिल्टर इसके अंदर फिट करना है, तो चारकोल फिल्टर फिट करने के लिए अपने को सबसे पहले ये बैफल फिल्टर निकालना रहेगा। ये तीनों फिल्टर आपको पहले निकाल लेने हैं इसको बटन को प्रेस करके। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो तीनों हमने बैफल फिल्टर खोल लिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक सांचा बना हुआ है, ये एक सांचा बना हुआ है जो परफेक्टली इसी शेप का बना हुआ है, जैसा कि मैं शेप आपको दिखा रहा हूँ इसी शेप का बना हुआ है। अपन क्या करेंगे, अब इसको क्लिप करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, ये जो इसके खांचे है ना इसके अंदर अपन इसको मैच करा के और इसको सिंपली अपने को क्या करना है इस तरह से। दोस्तों इस तरह से जो है क्लिप में बिल्कुल फिट आ जाएगा और इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, वापस से जो है अपने बैफल फिल्टर प्लेस कर देना है किचन में। तो दोस्तों ये हमने तीनों फिल्टर लगा दिए। अब अगर अपन चिमनी को काम में लेंगे तो यहाँ पे हमें जो है डक्ट पाइप की आवश्यकता नहीं है ऊपर से निकालने की, सिंपली हम इसको काम में लेंगे। जो चारकोल फिल्टर इसके अंदर लगा हुआ है ये जो ग्रीस पार्टिकल्स हैं या ऑयल हैं उसको क्लीन करके जो क्लीन एयर है उसको सर्कुलेट कर देगा वापस से किचन के अंदर। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे अपन एक नॉर्मल जो चिमनी रहती है बैफल फिल्टर वाली फेबर की उसको हम डक्टलेस चिमनी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस चारकोल फिल्टर। अब इसके अंदर दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से मॉडल्स के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। तो दोस्तों फेबर कंपनी में ऑलमोस्ट जिस भी कंपनी में आपको बैफल फिल्टर मिल रहा है ना उन सभी में ये वाली चीज़ पॉसिबल है कि अपन उसको डक्टलेस चिमनी बना दें बाय जस्ट पुटिंग दिस चारकोल फिल्टर। अब इसमें जो चारकोल हैं ये जो फिल्टर हैं ये दो तरह के आते हैं, आपको इनका लिंक बाइंग का लिंक भी अमेजोन का डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। अगर नहीं होता तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नज़र आ रहा है उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अब दोस्तों इसकी अगर बात करें तो ये जो चारकोल फिल्टर है एक तो ये वाली शेप में आता है ना जो हमें नज़र आ रहा है, एक इसका जो है राउंड वाले बैफल फिल्टर भी, राउंड वाले चारकोल फिल्टर भी आते हैं जो कि इस तरह की जो कैनोपी वाली चिमनी मॉडल होते हैं ना उसके अंदर लगता है। जो हमने पहले देखा था वो हमारा जो था वो रेक्टेंगुलर मॉडल था, ये जो है कैनोपी वाले मॉडल्स हैं, इनके अंदर जो है वो राउंड वाले दो फिल्टर एक बार में लगते हैं, दो फिल्टर इसके अंदर काम आते हैं। उसकी जो प्राइस रेंज है वो लगभग 700-800 रुपए के आसपास रहती है और ये वाले जो हैं वो लगभग 1500 से 1600 रुपए 1700 रुपए के आसपास की प्राइस रेंज में आते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्लोजअप में कि किस तरह से इसमें फिट होता है। इसमें भी वही प्रोसेस है, अपने को सबसे पहले फिल्टर खोलना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैकेनिज्म थोड़ा दूसरा है, यहाँ पे जो फिल्टर फिट होंगे वो आपके इस साइड में फिट होएगा एक फिल्टर और एक फिल्टर आपका इस साइड में फिट होएगा। यहाँ पे खांचे बने हुए हैं और इसी शेप में गोल शेप में जो है इसका फिल्टर अवेलेबल रहता है लगाने के लिए। तो वो फिल्टर मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन आप मेरे साइड में फोटो में वो फिल्टर देख पा रहे होंगे जो इस तरह का चारकोल फिल्टर आपको मिल जाएगा फेबर कंपनी के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको कब किस सिचुएशन में डक्टलेस चिमनी यूज़ करनी चाहिए। जो सबसे पहला रीज़न होता है डक्टलेस चिमनी यूज़ करने का वो ये रहता है कि आपके यहाँ पे अगर ऐसी पोजीशन नहीं है कि आप पाइप का आउटलेट दे पाएँ तो आप डक्टलेस चिमनी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और आप नहीं सिविल जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब छेद नहीं करा सकते या फिर होल नहीं करा सकते किचन चिमनी के लिए, तो आप डक्टलेस चिमनी यूज़ ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ कुकिंग कम होती है
तो ही डकलेस चिमनी प्रेफरेबल रहती है। अगर बहुत ज़्यादा कुकिंग होती है तो आपको ये जो चारकोल फिल्टर है हर 3-4 महीने में चेंज करना पड़ेगा, इससे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उस केस में भी जो है चारकोल फिल्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इतना सक्सेस नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी में अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है और आपको चिमनी चाहिए तो आप चारकोल फिल्टर लगा सकते हैं। जो चारकोल फिल्टर की लाइफ रहती है वो कुकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मल कुकिंग में ये जो है 8-9 महीने तक चल जाता है। अगर जो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कुकिंग है तो इसको 4-5 महीने में भी चेंज करना पड़ सकता है। अगर बहुत कम कुकिंग होती है तो 1.5 साल तक भी इसकी लाइफ रहती है चारकोल फिल्टर की। अब इसके अंदर अगर दूसरी बात करें कि इसकी जो मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस ऑब्वियसली चारकोल फिल्टर वाले की ज़्यादा रहेगी। इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो इंस्टॉलेशन चारकोल फिल्टर वाली चिमनी का बहुत इजी रहता है, क्योंकि इसके अंदर कोई हमें आउटलेट नहीं देना, चिमनी का पाइप नहीं लगाना। तो इंस्टॉलेशन जो है डक्टलेस चिमनी का इजी है एज़ कम्पेयर टू डक्टेड चिमनी। इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट हमारा है कि अगर आप डक्टलेस चिमनी यूज़ कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपके किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो जो एयर रहती है, जो कंडेंस्ड एयर रहती है, उसको वापस से अपने चिमनी जो है अपने किचन में ही रिसर्कुलेट करती है। तो ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऐसी हार्मफुल गैसेज जो आपके किचन में बन सकती है, क्योंकि वो जो है चिमनी रिसर्कुलेट करेगी एयर को। ऑब्वियसली वो क्लीन रहती है, उसके अंदर ग्रीस या फिर पार्टिकल्स को निकाल के एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है बाय द कार्बन फिल्टर, लेकिन फिर भी वो एयर हार्मफुल हो सकती है। तो इसलिए आपको अगर डक्टलेस चिमनी यूज़ करनी है तो ये इंश्योर करें कि आपके यहाँ पे प्रॉपर विंडो आपकी किचन में हो, ताकि आपका जो है एयर सर्कुलेशन जो है वो वेंटिलेशन बना रहे है किचन के अंदर। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी रिगार्डिंग द डक्टलेस चिमनी, जो कि मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि हमारे यहाँ अगर किचन चिमनी लगानी लेकिन डक्ट देने की जगह नहीं तो किस तरह से अपन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट का अंदर अगर मैं छोटी सी बात करूँ तो मोटा मोटी 1500-1600 रुपये का हमारा फिल्टर का कॉस्ट एक्स्ट्रा इसके अंदर जाता है डक्टलेस चिमनी बनाने में फेबर कंपनी में, क्योंकि फेबर कंपनी में फैसिलिटी दी हुई है कि आप किसी भी नॉर्मल मॉडल को टेंडर, टोपाज, स्टाइलो, आर्को, इस तरीके के काफ़ी सारे मॉडल्स जो बेफल फिल्टर के साथ आते हैं उनको आप चारकोल फिल्टर लगा के डक्टलेस चिमनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है और अगर आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया इसका बाइंग लिंक अमेजोन का नीचे डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जो क्वेरी थी रिगार्डिंग द डक्टलेस चिमनी वो सॉल्व होगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।